तो हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दिस इज मेडिको प्रद्युम्न। और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या स्टे वैकेंसी का सेकंड राउंड होगा। ठीक है, सीट्स इतनी ब्लॉक हुई है, कितनी ब्लॉक हुई है, नंबर एग्जैक्टली आप बता सकते हो क्या? एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, बट पिछले वीडियोस में बता चुका हूं मैं। 200 से 250 सीट्स ब्लॉक हुई है। ठीक है, और आई नो आप बहुत लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो। देखो, चैनल अपना छोटा सा ही है, मुझे पता है, ज्यादा बड़ा चैनल नहीं है, बट आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है और वही आप कमेंट्स में दिखाते हो, बहुत सारे सवाल पूछते हो, और जिनका जवाब मैं नहीं दे पाता उनके लिए पहले ही मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, सो अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ, 1000 सब्सक्राइबर्स आप जब कर दोगे तो उसके बाद अपन रखेंगे Q&A सेशंस, आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, और नीट 2022 की अगर आप प्रिपरेशन चालू कर चुके हो तो उसके लिए मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूँ। फिजिक्स अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगा, उससे डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका स्कोर यहाँ है तो स्कोर यहाँ पे पहुंचेगा, है ना। फिजिक्स आपकी आप डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे, और भी काफी सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे तो वो सारे वीडियोस में बनाता रहूंगा। आपको एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा काम है क्या, चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन चमक रहा है तो उसको लाल मत रखो, उसको कर दो ग्रे, है ना, उस पर लिखा होना चाहिए सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो यार प्लीज प्लीज प्लीज, अगर ये मेरा भोली सी सूरत पहली बार देख रहे हो या फिर पहले भी देख चुके हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दो, है ना। शुभकामनाएं, देरी क्यों, चलो ठीक है। मेन अपने मुद्दे पे आते हैं, सब्सक्राइब कर दिया ना, सॉरी कर देना यार प्लीज। ठीक है, तो मेन अपने पॉइंट पे आते हैं कि स्टे वैकेंसी का क्या सेकंड राउंड होगा। देखो, पहले मैं बता चुका हूँ कि 250 के लगभग सीट्स ब्लॉक हुई है। अब एक कमेंट आया था मेरे पिछले वीडियो पे कि सर आप क्या प्लीज वो मतलब स्टूडेंट्स की लिस्ट बता सकते हैं कि जिनका सीट ब्लॉकिंग में पार्ट है, तो अपन एमसीसी के अगेंस्ट अपन फाइल कर सकते हैं वो चीज, है ना। तो उसका मैं एक स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एक लिंक डाल दूंगा तो वो ड्राइव में गूगल में, ठीक है, तो वो ऑल इंडिया रैंक्स है उसमें। ठीक है, वो ऑल इंडिया रैंक्स जो स्टेट में भी है और ऑल इंडिया के थ्रू भी उन्होंने सीट ले रखी है, तो वो सीट ब्लॉकिंग है ना, 96 स्टूडेंट्स के मेरे पास लिस्ट है। ठीक है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपको फाइल करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है कि क्या सेकेंड राउंड होगा। देखो, ये पूरी तरह डिपेंड करता है एमसीसी पर। आप एक छोट आपके लिए मैं तो अपील कर रहा हूँ वाइडली सारे लोगों से, ठीक है, जो भी ये चाहते हैं, क्योंकि यार सीट ब्लॉकिंग का बेसिकली ये होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी का कुछ नहीं जा रहा है ना, गवर्नमेंट का, ठीक है, मेरे को पता है लॉस होता है, बट सबसे ज्यादा अगर लॉस किसी का होता है तो वो उस स्टूडेंट का होता है जो वो डिजर्विंग कैंडिडेट था, जो वो सीट डिजर्व करता था, है ना। तो आप बस एक काम कर सकते हैं, मैं आपको फोन नंबर दे दूंगा, ठीक है, एमसीसी की ईमेल दे दूंगा, तो आप कॉल कीजिए। कॉल तो मैंने भी किया था, ठीक है, कॉल में मैं बता रहा हूँ, ज्यादा वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो बस कॉल आप करते हो, ठीक है। तो मैंने सिंपल, मेरी क्वेरी क्या थी, मैंने ये पूछा था कि जो भी सीट्स ब्लॉक हुई हैं उनका आगे क्या होगा, क्या अब एक दूसरा राउंड करवाएंगे या फिर इन सीट्स को स्टेट को रिवर्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास ऊपर से अथॉरिटी से कोई भी नोटिस नहीं है इस बारे में, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो कॉल का फिर भी आप कर सकते हैं, देखिए, आप जितने ज्यादा नंबर में, जितना ज्यादा आप उन लोगों को कांटेक्ट करेंगे तो उतने ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी, उतनी ज्यादा चांसेस है कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले और जल्द ही एक नोटिस निकाल ले। ठीक है, फोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, 01204073500, ये उनका फोन नंबर है। ठीक है, और आप, मैं कह रहा हूँ, एक ईमेल कीजिए, है ना, ईमेल adgmme@nic.in, तो ये ईमेल है, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा आपको। अब मैं कह रहा हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कांटेक्ट कर पाए, है ना, अगर आप चाहते हैं कि सीट ब्लॉक ना हो, अभी भी जो सीट्स खाली है वो मिल जाए, तो मैं कह रहा हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकते हो भर भर के ईमेल करो, है ना। मैं खुद भी कर रहा हूँ, कॉल करने की ट्राई करो, अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो मुझे डेफिनेटली जरूर आप इन्फॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, और आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे पक्का मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, Q&A से अपन पक्का रखेंगे, है ना। और नीट 2022 से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। आप चाहते हैं जिन टॉपिक्स में वीडियो बनाऊं, जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था, मेरे को याद है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड, कि भैया आपने केमिस्ट्री कैसे की थी, तो केमिस्ट्री को एक्चुअली मेरी मैं बता रहा हूँ, वैसे ये वीडियो उसकी रिगार्डिंग है नहीं, कि केमिस्ट्री में शुरुआत से मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही थी, है ना, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में मेरे एक छोटे से छोटा सा पार्ट मेरे लिए बहुत हार्ड था, मैं बता रहा हूँ। जो इलेवेंथ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट था, या फिर आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट आता है, स्पेशली रेजोनेंस वाला जो पार्ट आता है, तो वो पार्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ होता था। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, क्योंकि उस पार्ट से भी क्वेश्चन आते थे। मेरे साथ ऐसा होता था कि 100% मैं गलत करके आता था। मेरे को पता होता था कि मैं कर रहा हूँ, तो अभी मैं गलत करूंगा, क्योंकि पिछली इतनी बार मैं गलत कर चुका था वो क्वेश्चन। मेरे को ये हो गया था कि हमेशा अपन गलत करेंगे ही। तो उस पार्ट पे मैंने काफी काम किया था, है ना। फाइनल एग्जाम में मेरे उसके क्वेश्चन सही हुए थे, मेरे को तसल्ली हुई थी, मेरे को अच्छा लगा था कि यार एटलीस्ट ये अपन ने जो भी किया तो वो अच्छा किया है ना, जो अपनी कमी थी वो अपन ने निकाली। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप चाहते हैं तो डेफिनेटली, है ना। और जो भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।